नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं वसई के वसई वीरान महानगर पालिका द्वारा संचालित डीएम पेट्रेट अस्पताल में, जहां आज एक बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे एक बड़ा सा बैनर आपको दिखाई दे रहा है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वसई ब्रांच का। इस मेगा ब्लड डोनेशन कैंप में वसई नायगांव डॉक्टर एसोसिएशन, आमची वसई, लाइन एंड लियो क्लब वसई, यूनिक वसई चा राजा, स्त्री सखी चैरिटेबल ट्रस्ट, जागृत नागरिक संस्था, डॉक्टर एम जी पी एल्युमिनी, माधवराव मुले प्रतिष्ठान, वी वी सी एम सी ए और विजया ब्लड बैंक, इन सब के तत्वाधान में ये ब्लड डोनेशन कैंप आज 16 जुलाई को यहाँ पर आयोजित किया गया है। इस ब्लड डोनेशन कैंप को लोगों का सहयोग मिल रहा है, लोग इसमें बढ़ चढ़ कर अपना ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। अभी यहाँ हमने इस पूरे ब्लड डोनेशन के कर्ता धर्ता वसई नायगांव मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारी और वसई विरार महानगर पालिका के इस अस्पताल की डीन मैडम से हमने बात की है, वो आप आगे देखेंगे वीडियो में। और कहीं ना कहीं इस वीडियो के माध्यम से हम ये आह्वान करना चाहते हैं कि इस तरह के ब्लड डोनेशन कैंप जब कभी महानगर पालिका हो या कोई प्राइवेट संस्था हो या कोई भी आयोजित करे तो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। रक्तदान महादान का जो स्लोगन है उस पर अमल करते हुए हर एक इंसान को हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए। और ब्लड डोनेट करने से जहां कई लोगों की जानें बचाई जा सकती, वहीं हम खुद अपने शरीर को फिट रख सकते हैं। तो आज ये कैंप यहाँ पर आयोजित हुआ, अभी इस बारे में डॉक्टर्स पूरी जानकारी देंगे कि कितने यूनिट क्या कुछ इसमें अभी लोगों ने ब्लड डोनेट किया है। जो वसई के टॉप्स आप पीछे नाम देख सकते हैं, वसई के ये जो टॉप संस्था है उन्होंने सबने मिलके ये ब्लड डोनेशन कैंप किया है। और हमारी वसई की ना जो ये संस्था है, सब जो नागरिक है वो इतने जागरूक है कि जब कोविड का टाइम था, जब मुंबई में ब्लड का शॉर्टेज था, तब वसई ने सबसे हाईएस्ट ब्लड गोल कलेक्ट करके उनको दिया था। ये संस्था हमेशा आगे रहते हैं और इस बार भी उन्होंने आगे रह के किया है। अभी भी कुछ लोग जो है वो ब्लड डोनेशन को लेकर थोड़ा संदेह में रहते हैं, कुछ संशय में रहते हैं, उनको क्या आप संदेश देना चाहें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको कुछ ब्लड प्रेशर या डायबिटीज रहेगा तो ही प्रॉब्लम है, तो ब्लड देने को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। या हमारे डॉक्टर्स भी अवेलेबल रहते हैं और ऐसा कोई रहेगा तो हम उनको मार्गदर्शन करने के लिए भी तैयार है। ऐसा कुछ ब्लड डोनेशन से कुछ वो एक गलत फहमी है कि ब्लड डोनेशन की वजह से तकलीफ होता है, ऐसा कुछ। अपनी महानगर पालिका जो है वो समय समय पर इस तरह की ड्राइव करती रहती है और आज के इस टाइम में भी महानगर पालिका का सहयोग है, तो महानगर पालिका में और भी क्या ऐसा करना चाहिए कि इससे इस तरह के अगर कार्यक्रम आगे बढ़ाया जा सके? देखो, लोगों का समझ ऐसा रहता है कि महापालिका यानी रस्ते या गटर, लेकिन वसई विरार महानगर पालिका के देखेंगे रस्ते और गटर के हट के भी कला रहता है, क्रीड़ा रहता है, ब्लड डोनेशन कैंप रहता है, हेल्थ कैंपेनिंग रहता है। इधर 12 ही महीने हॉस्पिटल में हेल्थ कैंपेन के लिए हमेशा प्रोग्राम्स लिया जाता है। अपना कॉरपोरेशन एक ऐसा कॉरपोरेशन है जो हमेशा हेल्थ के बारे में जागरूक रहती है, सब संस्था उनको मदद करती है। हमारे इधर देखो, अभी ये लायंस क्लब वाले, इन्होंने भी हमको जब कुछ नहीं था तभी इधर डोनेशन विनेशन दे के, वो मशीनरीज दे के हमको मदद करते हैं। और ये ऐसे एक में नगर पालिका है, महानगर पालिका के यहाँ हेल्थ के बारे में सब फ्री है, क्योंकि गरीब लोगों के लिए ये जो हेल्थ का प्रॉब्लम है उसके लिए हम लोग ने ये सब फ्री रखा। हमारे साथ इस समय प्रतिष्ठित व्यक्ति, बड़ी शख्सियत, आमची वसई संस्था के मेंबर महंत श्री ऋषिकेश वैद्य जी हमारे साथ है। ये भी यहाँ अपना खुद का ब्लड डोनेट करने आए हैं, इनसे बात करते हैं। जय हिंद। जय हिंद मैन जी, नमस्कार। आज आप यहाँ ब्लड डोनेट करने के लिए आए हैं, आपकी संस्था इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, आपकी संस्था की तरफ से तो आप आई है, साथ ही साथ क्या आपके मन में ये सोच है और किस तरह से हम इस तरह की ड्राइव करके सिर्फ मानव जाति को ही नहीं हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ा सकते? ऐसा है कि बारिश के मौसम में मलेरिया आदि रोग बहुत प्रादुर्भाव होता है उन रोगों का, और उस समय खून की बहुत कमी पड़ती है हॉस्पिटल में आदि चिकित्सालयों में। इसीलिए अगर हम ब्लड डोनेट करते हैं तो हम किसी का प्राण बचा सकते हैं, जान बचा सकते हैं। उसी प्रकार जैसे हम किसी का जान बचा सकते हैं,
ब्लड डोनेशन करते समय हमारी भी अनेक टेस्ट्स होती है, जैसे ब्लड टेस्ट है, कौन सा ब्लड है, ब्लड ग्रुप टेस्ट है, बाद में हमें शुगर है या नहीं, हमारा ब्लड प्रेशर कितना है, आदि टेस्ट भी होती है। तो उसका हमें भी लाभ होता है, हम फिट रहते हैं। ब्लड डोनेट करने से हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर आदि की बीमारियों से भी हम छुटकारा पा सकते हैं और किसी की जान भी बचा सकते हैं। इसलिए ब्लड डोनेशन के लोगों को भी फायदे हैं और हमें भी फायदे हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति ने साल में कम से कम 2 से 3 बार ब्लड डोनेशन करना ही चाहिए। मान साहब, आपकी संस्था के कितने लोग आज इसमें शामिल हैं? ऐसा है कि हमने बहुत से लोगों को आह्वान तो किया है, कम से कम 1.5 लाख लोगों तक मैसेज पहुंचाया है। अब आज तक कितने आके गए अभी तक उसका हमें पता नहीं है। इससे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जैसे महानुभव अगर इस तरह के ड्राइव में आएंगे तो जाहिर सी बात है कि एक लोगों में संदेश जाएगा ही, क्योंकि संत जो है वो बिना किसी पाप रखे लोगों को एक मैसेज देते हैं और उसका असर कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में होता ही है। तो हम आशा करते हैं कि आपको देखकर आज के इस वीडियो के बाद में कई लोग इस चीज़ के लिए सामने से आगे आएंगे कि हम भी ब्लड डोनेट करें। धन्यवाद सर। आज आपने ये ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ आयोजित किया है, कौन कौन इसमें शामिल है और क्या मेन मोटिव है? ये डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में हम लोगों ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वसई के साथ साथ वसई नायगांव डॉक्टर एसोसिएशन, जागरूक नागरिक संस्था, लायंस क्लब, लियो लायंस क्लब, स्त्री जागरूक संस्था और लोकल जो वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ हम लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है। और ये कैंप में जो भी ब्लड डोनेशन होगा वसई महानगर पालिका के पेशेंट्स को फ्री में ब्लड दिया जाएगा। सर, आपका कितना एक टारगेट है कि इतना ब्लड आज के दिन में यूनिट कलेक्ट करना है? हम उम्मीद करते हैं कि 101 का टारगेट है, 101 यूनिट। और क्या इस अभी भी कई लोग जो है जागरूक नहीं है अपने ब्लड को डोनेट करने के लिए लेकर, तो इस बारे में आपको लोगों में जागरूकता फैले, लोगों को इस बारे में एक अवेयरनेस आए, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या एक संदेश देना चाहेंगे? आप एक डॉक्टर हैं और बखूबी जानते हैं कि ब्लड डोनेशन करने से दूसरे को फ़ायदा होगा वो बात की बात है, लेकिन डोनर को जो फ़ायदा होता है वो किस तरह का फ़ायदा होता है? ब्लड डोनेशन से एक तो अपने बॉडी में कोई कमजोरी नहीं आती, ना चक्कर आता है, उल्टा ब्लड डोनेशन देने से अपना ब्लड फ्रेश हो जाता है। तो जिस किसके मन में डर है उन्होंने अपना डर निकालना चाहिए, और एक पुण्य का काम है, किसी का जान बचाने के लिए ब्लड यूज़ होता है, तो सब लोगों ने ब्लड देना चाहिए। मैं डॉक्टर गौतम माने, ऑनररी सेक्रेटरी ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वसाई ब्रांच। आज के इस ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं लोगों को, आप क्या एक सलाह देना चाहते हैं? मेरा पहला संदेश ये है कि हम ये जो कैंप किया है वो नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेशन के हिसाब से किया है। नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेशन ये डॉक्टर बीसी रॉय के जन्म और मृत्यु दिन जो 1 जुलाई को हुआ था उस दिन से लेके 15 दिन तक नेशनल लेवल पे हर प्रकार की जन जागृति की जाती है, जिसमें से एक ब्लड डोनेशन ड्राइव हम पूरे भारतवर्ष में करते हैं। जैसे कि IMA वसई ब्रांच के अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट का स्टेट का जो ब्रांच है उन्होंने ऑलरेडी 7,00,000 बॉटल्स का लक्ष्य पूरा किया है। और जैसे कि मेरे प्रेसिडेंट ने बताया कि हम यहाँ आज लक्ष्य रखा है कि कम से कम 101 बॉटल जरूर कलेक्ट करेंगे। तो आप जैसे प्रेसिडेंट से जब पूछ रहे थे कि ब्लड डोनेट करने से डोनर को क्या फ़ायदा होगा, डोनर का कुछ नुकसान नहीं होता है, बल्कि हर डोनर के और हर इंसान के अंदर बोन मैरो करके चीज़ होती है जो हमेशा दिन रात कार्यरत रहती है। और वो जो ब्लड जो है जो दिया जाता है 350 ml, वो करीब आधा घंटा से 1 घंटे के अंदर फ्लूइड के हिसाब से वापस रिकवर होता है। इसके लिए कोई डरने की बात नहीं होती है, बल्कि बार बार ब्लड डोनर देने से जो बोन मैरो है वो ज़्यादा एक्टिव और सतर्क रहता है, और एक ब्लड से कम 4 व्यक्तियों की जान बचा सकती है वक्त पे। जैसे ब्लड में से सफ़ेद पेशिया है, लाल पेशिया है, प्लेटलेट्स है और सीरम है, उसे एक ही बॉटल में से 4 लोगों को उसका फ़ायदा हो सकता है। इसके लिए हमेशा मैं रिकमेंड करूँगा कि जो भी सशक्त है, जिसका भी हीमोग्लोबिन 12.5 के ऊपर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लाइफ में ब्लड दे सके। मैडम, आप इस DM पेटेड हॉस्पिटल की डीन हैं और यहाँ DM पेटेड हॉस्पिटल में भी ब्लड कलेक्शन की अपनी यूनिट पहले से कार्यरत है,
ऐसे समय में कई बार आपको यहाँ लोगों को ज़रूरत पड़ती होगी ब्लड की, तो क्या दिक्कतें आती है और ये ड्राइव करने से उन दिक्कतों में किस तरह से फ़ायदा मिलेगा इसकी? सर, डी एम्पेटेड हॉस्पिटल 80 बेडेड म्यूनसिपल हॉस्पिटल है जहाँ पे हम सब सुविधाएं फ्री में देते हैं। यहाँ पे जब कोई पेशेंट आता है उन्हें ब्लड की ज़रूरत होती है तो उन्हें ब्लड भी फ्री में दिया जाता है, लेकिन दिक्कत ये है कि अगर कोई डोनेट नहीं करेगा तो ब्लड कहाँ से आएगा। तो ये जो ब्लड डोनेशन कैंप है हम इसलिए रखते हैं ताकि ब्लड बैंक में ब्लड उपलब्ध हो पाए और अच्छी क्वांटिटी में उपलब्ध हो, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तो पेशेंट को यहाँ वहाँ ब्लड के लिए ना भागना पड़े। तो ये ब्लड डोनेशन कैंप उसी के लिए रखा गया था डीएमपीटेट में, सब संस्थाओं को साथ में लेके, ताकि सब पेशेंट को, यहाँ के पेशेंट को फ़ायदा मिलना चाहिए। एक सवाल ये है कि इंडिविजुअली सर डीएमपीटेट का और पूरे वसई विरार महानगर पालिका में एवरेज कितना ब्लड हर महीने का लगता है? ऑन एन एवरेज 500 से 600 यूनिट सब हॉस्पिटल मिला के वसई विरार म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को ब्लड लगता है। मैम अपना नाम और परिचय। मैं लायन किरण बड़े हूँ, लायंस क्लब ऑफ वसई यूनिक की मैं प्रेसिडेंट हूँ इस साल। और ये जो ब्लड डोनेशन कैंप है, हम लोग इंडियन ब्लड मेडिकल एसोसिएशन के साथ इस बार हम लोग मिलकर कर रहे हैं, लेकिन लायंस क्लब वसई यूनिक जो है हमेशा से बहुत ज़्यादा ब्लड डोनेशन के लिए काम करता है। कॉलेजेस में हम लोग ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम रखते हैं। हमारे जो लायन भोसले सर हैं, लायन हनीफ पटेल हैं, हमारे काड़े सर हैं, हमारे घुमरे सर हैं, हम लोग हमेशा कम से कम 7-8 मेगा कैंप्स लगाकर कम से कम 200-500-700 बॉटल्स तक भी हम लोग ब्लड कलेक्ट करते हैं और वो लोगों को देते हैं। और जैसे सर ने बताया कि 1 से 4 लोगों की जान बचते तो वो इतना 4 गुना उसका फ़ायदा हो जाता है। तो हमेशा लायंस क्लब इंटरनेशनल ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल पर और पेशेंट के लिए काम करते हैं। और इस ये हॉस्पिटल से तो हमारा बहुत ही पुराना रिश्ता है, हमने यहाँ पर बेबी वॉर्मर से लेकर पूरा यूनिट दिए हुए हैं। हम लोग बाहर से डोनेशन लाकर हमारे जो अस्पताल है गवर्नमेंट अस्पताल उसके अंदर पूरा लायंस क्लब वसई यूनिक बहुत हेल्प करता है। थैंक यू सर। रंजीत वनमाड़ी। आप कौन सी संस्था है? आमची वसई मन्ना हो। आज आप डोनेट करने आए हैं, ब्लड डोनेशन कैसा आपको फील हो रहा है और क्या आपका कहना है? सी, ब्लड डोनेशन आज की ज़रूरत है, क्योंकि अभी आपने देखा कि कोरोना के बाद और कोरोना के ड्यूरिंग कोरोना एज वेल हमें ब्लड की कितनी ज़रूरत थी और ब्लड कम पड़ रहा था। आज भी बहुत सारे संस्थाओं में हॉस्पिटल्स में ब्लड नहीं है और पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके लिए हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि ब्लड डोनेशन करना चाहिए। और इसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं और आमची वसी के थ्रू हम लोगों ने सबको आह्वान किया है कि यहाँ पे आके वो ब्लड डोनेट करें। तो आपकी संस्था से लगभग कितने लोग आए? हमारे संस्था से लगभग बस 20-25 जन यहाँ पे आएंगे और वो करेंगे ब्लड डोनेशन। तो ये हम बात कर रहे थे अभी यहाँ के जो महानुभाव इन सभी से बात कर रहे थे और इन्होंने अच्छे से जानकारी दी ब्लड डोनेट करने के क्या फ़ायदे क्या नुकसान। नुकसान है ही नहीं लेकिन फ़ायदे तो है ही। उसके अलावा साथ ही साथ यहाँ वसई विरार में कितनी ब्लड की खपत होती है वो भी मैडम ने बताया। लायंस क्लब जो है इन ऐसे सामाजिक काम में हमेशा आगे रहता है और यहाँ भी आज लायंस क्लब की मौजूदगी है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से मैं यही एक आह्वान करना चाहूँगा हमारे चैनल के माध्यम से कि जो कोई ये वीडियो देख रहा है वो ये सोचे कि अगले समय में जब कहीं उसे मालूम पड़े कि इस तरह से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन हो रहा है तो वो बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा ले, ताकि उसके एक के ब्लड डोनेट करने से 4 लोगों को अलग अलग तरह से फ़ायदा हो सकता है। अभी डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे से बताया, इससे पहले हम यही जानते थे कि एक का ब्लड अगर डोनेट किया तो दूसरों को काम लगेगा, नहीं, लेकिन 4 लोगों को अलग अलग तरह से वो ब्लड काम लगता है। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी पहल है, आगे भी ऐसे काम होते रहेंगे, लेकिन वो काम सफल कब होंगे जब हम उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और हम उसका हिस्सा बनेंगे, उसमें सहयोग करेंगे। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही। वसई से यूसुफ अली। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।